एबीसी क्लास में स्वागत है बच्चों। आज मैं पदार्थ के बारे में बताऊंगा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा क्या है और पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो वाइज सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा पर एक नज़र हम दौड़ा लें, जिसको कि हम अंग्रेजी में डिफिनेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ का एक दूसरा अंग्रेजी और है जो सब्सटेंस कहलाता है। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। तो पदार्थ क्या है? तो हम संसार में जो कुछ भी वस्तु देखते हैं उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जो स्थान छेके, जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हो, उसकी अनुभूति होती हो, हम उसका अनुभव कर सके, ऐसे सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। जैसे हवा, मिट्टी, किताब, कॉपी, कलम, व्हाइट बोर्ड, ये सब के सब पदार्थ हैं। तो समझ गए ना, पदार्थ हम उसे कहते हैं जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, जो स्थान छेके, जिसमें आयतन हो, जिसका हम अनुभव कर सके, जिसको हम छू सके, अपनी नंगी आंखों से देख सके, ऐसे वस्तु को पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ का, पदार्थ की अवस्था, इसे स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला भौतिक पदार्थ, दूसरा रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ को फिजिकल मैटर या फिजिकल सब्सटेंस और रासायनिक पदार्थ को केमिकल मैटर या केमिकल सब्सटेंस। भौतिक पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, जो ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस और मिश्रण को मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ दो भागों में बटा है, तत्व और यौगिक। तत्व को एलिमेंट्स, यौगिक को कंपाउंड्स। मिक्सचर यानी मिश्रण को दो भागों में बांटते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर, समांग मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर, विषमांग मिश्रण अनहोमोजेनियस मिक्सचर। तत्व भी दो भागों में बटा है, धातु यानी मेटल्स, अधातु यानी नॉन मेटल्स, और एक अपवाद स्वरूप उपधातु होता है जिसे मेटलॉइड्स के नाम से जाना जाता है। ठोस, ठोस वस्तु के भी गुण होते हैं कि वे कड़े होते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं जा सकते, उसको ले जाने के लिए उसमें बल लगाना पड़ता है। अब ठोस, ठोस को सॉलिड, द्रव को लिक्विड, गैस को गैस। तो ठोस में बहाव नहीं होता है, द्रव में बहाव होता है, गैस में भी बहाव होता है। ठोस कठोर होता है, द्रव मुलायम होता है, और यह तरल पदार्थ है, इसमें बहाव होता है और इसके आयतन बदलते रहते हैं। ठोस के आयतन नहीं बदलते हैं, एक समान होते हैं, द्रव के आयतन बदलते रहते हैं। द्रव को जिस पात्र में हम रखते हैं वैसा ही उसका रूप हो जाता है। गैस द्रव से भी अधिक बहाव वाला पदार्थ है। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। द्रव के आयतन और आकार, आयतन तो समान होते हैं पर उसके आकार निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठोस के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं और गैस के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं।
गैस को हम छोटे भी वस्तु में रख सकते हैं, पात्र में, बड़े पात्र में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्रेस्ड की स्थिति उत्पन्न होती है, इसे हम दबा करके छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व यौगिक, तत्व शुद्ध पदार्थ होता है क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, और यौगिक एक, दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व धातु, अधातु और उपधातु। धातु चमकीले होते हैं और धातु चमकीले नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही पदार्थ है अधातु में जो चमकीले होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। धातु सभी विद्युत के सुचालक होते हैं, इसमें तन्यता होती है, इसमें खनक होता है। अधातु में खनक नहीं होता है, विद्युत के ये कुचालक होते हैं, सिर्फ अपवाद स्वरूप सिर्फ ग्रेफाइट जो है ये विद्युत के चालक होते हैं। उपधातु, ये धातु और अधातु के बीच वाले स्थिति उत्पन्न करते हैं। समांग मिश्रण जो पूर्ण रूप से मिला हुआ हो, जैसे चीनी और पानी का हम मिश्रण बनाते हैं तो पानी में चीनी पूर्ण रूपेण घुल जाता है, इसलिए ऐसे मिश्रण को समांग मिश्रण कहेंगे। अब विषमांग मिश्रण, तो विषमांग मिश्रण वैसे मिश्रण को कहा जाता है जो पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, जैसे पानी और बालू का मिश्रण, ये कभी मिलता नहीं है, अलग अलग हो जाता है। जबकि समांग मिश्रण जैसे दूध और पानी का मिश्रण, ये भी एक समांग मिश्रण है, दूध का रूप पानी ले लेता है, पानी में चीनी मिला दो, नमक मिला दो, ये सब समांग मिश्रण है। तो इस प्रकार से हम पदार्थ की अवस्था का वर्गीकरण किए, भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। मिश्रण समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। तत्व दो प्रकार के मुख्य रूप से, धातु और अधातु, और एक अपवाद स्वरूप उपधातु। इस प्रकार से हम पदार्थ की अवस्था को वर्गीकृत कर दिए। अब तत्व के बारे में चर्चा। तत्व इलेमेंट्स, तत्व यानी कि जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि। अब ये सिर्फ परमाणु है क्योंकि ये सूक्ष्म होते हैं, इनसे अणु का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु मिल करके हाइड्रोजन के एक अणु बनाते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिल करके ऑक्सीजन के एक अणु बनाते हैं, नाइट्रोजन के दो परमाणु मिल करके नाइट्रोजन के एक अणु बनाते हैं। ये क्या है? इसे हम हाइड्रोजन अणु कहेंगे। ये ऑक्सीजन अणु, ये नाइट्रोजन अणु। अब यौगिक के बारे में, तो यौगिक क्या है? तो यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है, यानी जो पदार्थ दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से
बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl आदि। ये जल है, ये यौगिक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यौगिक है। HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे आमाशय रस भी कहा जाता है। ये सब के सब यौगिक है। इसका निर्माण कैसे होता है देखिए। हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु आपस में प्रतिक्रिया करके जल बनाते हैं। अब ये संतुलित अवस्था में नहीं है, तो संतुलित करने के लिए यहां हम दो अणु कर देंगे। हाइड्रोजन के यहां दो अणु यानी चार परमाणु हुए, तो यहां भी हम जल के दो अणु कर देंगे। अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, बैलेंस्ड हो गया। देखिए यहां बाएं तरफ चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, दाएं तरफ चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन। इसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन आपस में प्रतिक्रिया करके CO2 बनाते हैं। HCl, H2 और Cl2 मिलकर के ये HCl बनाते हैं। तो इधर ये भी अणु है, ये भी अणु है और ये भी अणु है। ये भी, ये क्या है, ये अणु नहीं है, ये परमाणु है। ये अणु है और ये अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है। इधर ये क्या है, जल, जल यानी यौगिक। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे धुआं भी हम कह सकते हैं। ये क्या है, तो ये भी यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो इस प्रकार से यहां मैंने तीन प्रकार के यौगिक का वर्णन दिखाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, तो तत्व शुद्ध पदार्थ है, सिर्फ इसमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं। यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है, किंतु इसमें दो या दो से अधिक परमाणु मिले होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार से तत्व और यौगिक की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स इस प्रकार है। अब समान मिश्रण, समान मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, विषमान मिश्रण यानी कि अनहोमोजीनियस मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल देखिए, चीनी और पानी, नमक और पानी, दूध और पानी। मिलाने से क्या जो पदार्थ बनेगा वह समान मिश्रण होगा। अब चीनी और पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तो मीठा शरबत बन जाएगा, मीठा शरबत। नमक और पानी मिला देंगे ये लवणीय जल बन जाएगा, यानी लवणयुक्त पानी। और दूध और पानी मिला देंगे तो जलयुक्त दूध हो गया। ये क्या है, सब के सब समान मिश्रण है। अब विषमान मिश्रण, तो विषमान मिश्रण कैसे बनाएंगे, जैसे भाई देखिए, बालू प्लस पानी, कोयला प्लस पानी, मिट्टी प्लस पानी। ये क्या है, ये सब के सब विषमान मिश्रण है। तो इस प्रकार से समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। यानी जो पूर्ण रूप से मिला हुआ विलयन हो समांग विलयन या समांग मिश्रण, जो पूर्ण रूप से नहीं मिला हुआ हो वो विषमांग मिश्रण या विषमांग विलयन।